सभी किश्तवाड़ वासियों को और सभी देशवासियों को सबसे पहले तो जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है उसके लिए पहले से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसे कि आप सब इधर देख रहे हैं, आज 9 अगस्त है और हम लोग मेरी माटी मेरे देश कैंपेन की शुरुआत TRC छात्रों से कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ सभी सरपंच साहिबान आए हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं। बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोगों ने यहाँ के जो मार्टर्स हैं उनके लिए शिला पालकम को इनॉग्रेट किया। उसके साथ साथ प्लेज टेकिंग सेरेमनी भी रही है, बच्चों के साथ कल्चरल प्रोग्राम हुआ और यहाँ की जो मिट्टी है उसको भी यहाँ पे एक कलश में डाला गया जिसको हम लोग किश्तवाड़ भेजेंगे। किश्तवाड़ से यही मिट्टी जम्मू जाएगी और जम्मू से यही मिट्टी फिर दिल्ली भी जाएगी और फाइनली वहाँ पे कर्तव्य पथ पे इस मिट्टी को रख दिया जाएगा कलश में। ये सर कब तक चलेगा? ये 15 अगस्त का जो टाइम है वहाँ से सारे पंचायतों के कलश जो है हमारे पास आ जाएंगे। 15 अगस्त से 27 अगस्त तक वहाँ के जो कलश है पंचायतों के वो दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। सर, सब डिवीजन छात्रों में पिक्चर टाइम आज पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जिला किश्तवाड़ में सब डिवीजन, तो ये कब तक चलेगा? यहाँ लोगों के लिए क्या हफ्ते या एक दिन का इवेंट है? जब तक लोग बुलाएंगे तब तक चलेगा। ठीक है, शुक्रिया। आप जैसा जानते हैं मेरी मट्टी मेरा देश जो आज़ादी का महाउत्सव के सिलसिले में यहाँ जो मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में आज यहाँ जो फिल्म का भी वो एहतमाम किया गया है, तो मैं स्पेशली आपको ये कहूँगा कि देखिए मेरी माटी मेरा देश मतलब मेरी धरती मेरा मुल्क मेरा ये जो भी है पूरा वर्ष भारतवर्ष जो है वो हमारा मुल्क है। और इस मिट्टी का जो आज जो चल रहा है कि हर पंचायत से हर ब्लॉक से एक थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके राजधानी तक जो भेजी जाएगी, उस मिट्टी से वहाँ के पार्क बनेगी जो जिसको ये कहेंगे कि पूरा मुल्क वहाँ समा गया, तो वो है मेरी माटी मेरा देश। और दूसरा, जहाँ तक ये फिल्म वगैरह का ताल्लुक है और जहाँ तक हमारे DC साहब का ताल्लुक है, DC साहब एक यंग डायनामिक ऑफिसर हैं, इनका हमेशा रहता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे इलाके की डेवलपमेंट हो सके और वहाँ पर टूरिज्म और दूसरी चीज़ों पर फोकस हो सके। आप देखते हैं सिंतन फेस्टिवल, सिंगपुरा फेस्टिवल, यहाँ आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मेरी मट्टी मेरा देश जो छात्रों से उन्होंने स्टार्ट किया, तो उससे पता चलता है कि इस पसमांदा इलाके की तरफ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का कितना खास ध्यान है। बहुत बहुत मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जहां भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं आप नेशनल लेवल तक हमारी ये बात पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका भी धन्यवाद और एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे इस छोटे से एरिया को जो हाईलाइट करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे की। आज आपने देखा प्रोग्राम मेरी मिट्टी मेरा देश, ये प्रोग्राम जो है छात्रों से लॉन्च हुआ, यहाँ पिक्चर का भी पिक्चर टाइम का भी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं थिएटर लगा हुआ है, इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करना चाहूंगा, स्पेशली थैंक्स जो DC साहब का करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया है और हमारे छात्रों को हाईलाइट करने के लिए सब किया। ये सब चीज़ें जो है बहुत मतलब फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे छात्रों एरिया को तो कोई जानता नहीं था, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उन्होंने ये चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो आर्डर्स दिए हैं उसके लिए मैं इनका थैंक्स करना चाहूंगा और हमारे छात्रों को भी उन्होंने इस ये सब चीज़ें करने के बाद जो है हाईलाइट किया हुआ है। शुक्रिया।